राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन पहले लोकसभा में अपनी बात रखी थी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर तीखे बाण छोड़े थे और शाहबानो मामले पर बात करते हुए कांग्रेस नेता के गटर वाले बयान का जिक्र भी किया था, जिसे लेकर अब सियासत गर्म है। कांग्रेस भले ही इस मामले में कुछ ज्यादा नहीं बोल रही, मगर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इसे लेकर मोदी सरकार पर वार किया है। तीन तलाक बिल को लेकर मोदी सरकार के मन में क्या है, ये जग जाहिर है। तभी तो सरकार अपने पिछले कार्यकाल से ही इसे पास कराने की जद्दोजहद में लगी है। एक दिन पहले भी लोकसभा में पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि वो तीन तलाक बिल को पास कराकर रहेंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी बात रखते हुए मोदी ने इस पर अपनी सरकार की प्रतिबद्धता जताई, मगर पीएम एक ऐसी बात भी कर गए जिसने देश की सियासत में कोहराम मचा दिया है। शाहबानो मामले के बहाने कांग्रेस पर वार करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के लोग मुस्लिमों के हितैषी नहीं हैं। इनके बड़े नेता कह चुके हैं कि मुसलमानों के उत्थान की जिम्मेदारी उनकी नहीं, अगर वो गटर में पड़े रहना चाहते हैं तो पड़े रहने दो। इस पर उन्होंने कांग्रेसी नेता का नाम तो नहीं लिया, मगर इसके बाद से ही बयानबाजियों का दौर जारी है। राजीव गांधी सरकार में मंत्री रह चुके आरिफ मोहम्मद खान ये दावा कर चुके हैं कि नरसिम्हा राव ने ही ये बात कही थी, जिस पर जारी सियासत के बीच कांग्रेस ने मामले पर चुप्पी साध रखी है। पीएम मोदी सोच रहे थे कि इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी सवालों के घेरे में आ जाएगी, मगर अब तो सरकार पीएम मोदी की है तो सवाल तो उन पर भी उठेंगे ही। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मोदी जी को शाहबानो याद हैं, लेकिन अखलाक याद नहीं। नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान ही बाबरी मस्जिद विवाद हुआ था। अगर हम गटर में हैं तो हमें गटर से ऊपर उठाएं। असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी से सवाल किया कि इस बार कितने मुस्लिम सांसद बीजेपी से जीते हैं। पिछड़ों के नाम पर मुसलमानों को आरक्षण देने की बात पीएम मोदी कहते हैं तो आरक्षण क्यों नहीं देते। अब इस पर पीएम मोदी क्या बोलेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।